श्रवण निषाद, आज इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एबीसीडी वाला होता है उसको कवर करने वाले हैं। एबीसीडी बोलूं या फिर मैं 1 2 3 करके बोलूं तो उस टाइप का क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाला हूं। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मान के चलते हैं जहां पे ड्रॉवर जो होता है सेम होता है बट ड्रॉवी क्या होते हैं डिफरेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है मालूम है क्या, ऐसा कहना तो ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से 1 2 3 वाला बोलो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किस केस में ड्रॉवर हो किस केस में ड्रॉवी हो। तो ऐसा मान के चलो ये मिक्स कंसेप्ट वाला एबीसीडी वाला आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो जरा ध्यान से, ये जो होता है ना बाकी क्वेश्चन के मुकाबले ईजी होता है लेकिन कब, जब हमें जो पूरा सेंटेंस लिखा है उसका पूरा मतलब समझ में आ जाए। सो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो आप इस वीडियो में जो आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में या जो सीख रहे हैं बहुत पे अटेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज आपको पता है बीके का लेक्चर्स है। मैं बाकी की वीडियोस में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को आपके जो साथ में काम चल रहे हैं, बिकॉज वीडियोज़ ऐसा होता है आप वीडियोज़ देखते हो उसके साथ में कुछ और भी करते हो। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली पे अटेंशन जब भी आपका बीके का लेक्चर्स है, तो थोड़ा ध्यान से आप स्टार्ट टू एंड देखो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 एंड पेज नंबर 312। ये मैंने बीके का जो बुक है गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो मुंबई में चलता है उसमें से मैंने ये सम को उठाया है। आप अगर आपके पास ये सेम सम है आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई बुक है रिलायबल्स हो गया या आप कहीं और का बुक्स प्रिफर कर रहे हो तो देखो प्रधान करके एबीसीडी वाला, मतलब ऊपर लिखा रहेगा जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रधान, वो वाला मैं सम स्टार्ट किया हूँ। आप खोज लो, मिल जाएगा तो वीडियो को पॉज कर लो, मिल गया तो आप वीडियो स्टार्ट करके मेरे साथ सॉल्व करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। और अगर मैं बाकी जो रीसेंट जो बोर्ड के पेपर्स आ रहे हैं तो हमारा लास्ट ईयर भी होप्स था कि शायद इस टाइप वाला डाले, लास्ट ईयर तो नहीं डाला लेकिन मे बी ये साल डाल दे, बिकॉज कंटिन्यूसली नॉर्मल सम आ रहे हैं कभी भी उठा के दे सकता है। अगर दो टाइप है तो बोर्ड के ऊपर है, वो ऐसा डिसाइड नहीं करेगा कि एक ही टाइप आपको बार बार देगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलो सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ना फटाक से समझना है। तो फटाक से समझने के लिए लॉजिक ये है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में जो एंट्रियाँ आती हैं ना वो फिक्स रहती हैं। फिक्स मतलब कैसे, एक जो रहता है रिन्यू का केस रहेगा, किसका रहेगा रिन्यू का, जिसमें मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 एंट्रियाँ रहती हैं। अभी रिन्यू मतलब क्या, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ सॉल्व करने बैठे हो या अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को जा रहे हो आगे बढ़ने, तो जाहिर सी बात है आपने नॉर्मल सम्स किए रहेंगे तो वहाँ पे रिन्यू का मतलब आपको पता चलेगा। रिन्यू मतलब क्या, पुराने बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाना। अभी नया बिल बनेगा तो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। नया बिल बनाने के लिए कुछ बंदे क्या करते हैं, पुराने अमाउंट को आधा पे कर देते हैं या थोड़ा पे कर देते हैं, उसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं। तो नया बिल बनने में पहले कैंसिल, पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट और उसके बाद न्यू बिल, ऐसा 4 एंट्री रहता है। उसके बाद अगर मैं बढ़ता हूँ तो एक डिसऑनर का केस रहता है, या तो वो बैंक का रहेगा या तो आपका कलेक्शन वाला डिसऑनर रहेगा। इसके बाद लास्ट एंट्री जो होता है, या तो आपने किसी को सोल्ड किया रहेगा या तो आपने मे बी छोटा सा बिल रहेगा जिसको एक्सेप्ट किया रहेगा। बस इतना ही केस रिपीटेड रहता है लेकिन बहुत ईजी रहता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, मुझे काफ़ी पसंद है। बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड वहाँ पर दोनों फॉर्मेट पूछता था, हम लोग यही फॉर्मेट करते थे, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है तो इसके लिए रिस्क रहता है, लेकिन वहाँ रिस्क नहीं था। तो फिलहाल इस बार के लिए मैं बोलूँगा आप इसको पहले प्रिपेयर कर लो, बाकी वाला भी देख लो, जो भी आएगा एग्जाम में आप उसको अच्छी तरह सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वाइज कि कैसे हमें स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्वेश्चंस को ना अच्छी तरह से पढ़ो, आपको सिर्फ जानना है कि आप ड्रॉवर हो कि ड्रॉवी। अगर आप जान गए ना फिर आपको समझ जाना है कि मुझे कौन सी एंट्री पास करनी। तो सबसे पहला टॉप में लिखो जनरलाइज दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रधान। इसका मतलब क्या हो गया, मैं जितनी भी एंट्रियां करूंगा प्रधान के बुक में करूंगा। इसका एक और मतलब होता है कि इस पूरी जनरल एंट्री में प्रधान का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुक किसका है प्रधान, तो प्रधान अपना नाम कैसे लिखेगा। समझ में आ गया आप लोग को। चलो अब सेम थिंग्स, अब मैं आपको जैसे हर वीडियोस में बोलता हूँ आप किसकी भी एंट्री पास करो, जैसे मेरा नाम श्रवण सर है लेकिन आज मैं ऐसा ट्रीट करूंगा मेरा नाम प्रधान है, क्यों, क्योंकि मैं ऐसा ट्रीट करूंगा तभी मेरी सारी एंट्रियाँ राइट होने वाली है, ठीक है। चलो एज अ प्रधान मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है रिन्यू वेंकटेश एक्सेप्टेंस। अभी ड्रॉवर और ड्रॉवी पहचानना है, रिन्यू वेंकटेश एक्सेप्टेंस, वेंकटेश के नाम में अपॉस्ट्रॉफी लगा है, मतलब वेंकटेश का एक्सेप्टेंस मतलब होता है बिल, वेंकटेश का बिल। अभी वेंकटेश का बिल मतलब क्या, वेंकटेश इज अ ड्रॉवी,
तो आप क्या बन गए, ड्रॉवर, मतलब मैं प्रधान क्या बन गया, ड्रॉवर। तो अब मैं इस ट्रांजिशन में समझ चुका हूं कि मैं ड्रॉवर हूं, मतलब जो भी एंट्री आएगी ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाएगी। चलो होता क्या, रिन्यू किया, मतलब चार एंट्री पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम मिनिमम तीन एंट्री। तो रिन्यू किया मतलब सबसे पहले मुझे कैंसल का एंट्री पास करना पड़ेगा, उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मुझे इंटरेस्ट का एंट्री पास करना पड़ेगा, उसके बाद बोलता है नया बिल बनाया, मतलब न्यू बिल पास करना पड़ेगा। पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी स्टूडेंट्स पार्ट पेमेंट का जिक्र नहीं, मतलब मैंने बोला था ना रिन्यू मतलब मैक्सिमम चार मिनिमम तीन, तो तीन एंट्री तो आया ना, तीनों एंट्री पास करनी मुझे। अब ये तीनों एंट्री पास करते हैं हम लोग और समझते क्या होगा। देखो अब ये एंट्री मुझे यहाँ देखने की जरूरत नहीं बुक में, अब मैं क्वेश्चन पे इस यही मेरा वर्किंग नोट है, अब मैं इसको पास करूंगा। कैंसिल मतलब क्या, जैसे कोई आपका पुराना चीज उसको कैंसिल करके नया बनाना, तो कैंसिल जब भी होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल इज नथिंग बट अ डिसऑनर। जब भी कैंसिल होगा और आप अगर ड्रॉवर हो तो ड्रॉवी को डेबिट किया जाता है, अगर आप ड्रॉवर हो तो ड्रॉवी को डेबिट किया जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि कहानी जहां से स्टार्ट हुई वहां से ही आपको वापस क्या करना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है, वहीं से स्टार्ट वापस करना पड़ता है। जरा ध्यान से देखना, कौन है मेरा ड्रॉवी, वेंकटेश, तो देखो मैंने वेंकटेश को डेबिट किया। जब भी कैंसल या डिसऑनर होगा ड्रॉवी का गला पकड़ लो या ड्रॉवी को डेबिट कर दो, ये रहा मैंने उसको डेबिट कर दिया। क्या 21 में वेंकटेश अकाउंट डेबिट, कितना 7000 रुपये। अब क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट उसको करो बिल जिसके पास है। पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं नहीं बोला है कि बिल किसके पास है, कहीं नहीं बोला, मतलब बैंक को बिल दिया था क्या, कलेक्शन को दिया था क्या, एंडोर्स को दिया था क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मतलब बिल आपके पास होगा, अगर बिल मेरे पास होगा तो मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मैं मेरा नाम लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, इसके लिए वेंकटेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 7000 7000। कैंसिलेशन की एंट्रीज में स्टूडेंट्स कुछ अमाउंट ऐड होते हैं जिसको नोटिंग चार्जेस बोला जाता है, अगर कोई नोटिंग चार्जेस दिया रहता है तो उसको ऐड किया जाता है। कुछ थोड़ा उस बार उधर भी कंडीशन है कहाँ ऐड करना है कहाँ नहीं करना है, लेकिन अभी हमारे पास कोई नोटिंग चार्जेस नहीं दिया तो हमारा जो अमाउंट है वही लिखेंगे हम लोग। आई होप इट्स क्लियर। तो कैंसिलेशन का एंट्री डन, सिंपल में समझाऊं तो ड्रॉवी डेबिट, क्रेडिट कौन, जिसके पास बिल है। बिल मेरे पास था तो मेरा नाम प्रधान है, मैं नाम तो नहीं लिखूंगा, मैं बिल से रिसीवर लिखूंगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी देखो गलती किसकी है, वेंकटेश की, मैं तो प्रधान हूं, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने सामान बेचा, बिल बनाया, टाइम पे मुझे पैसा नहीं मिला, तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए फायदा है। अब इंटरेस्ट अगर फायदा है तो इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, मेरे लिए क्या इनकम है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। तो देखो मैंने इंटरेस्ट जो है सेकेंड एंट्री में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, क्या लिखा मैंने, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो डेबिट कौन, ये गलती किसकी है, वेंकटेश की है, तो ये पैसा कौन देगा, वेंकटेश देगा, तो वेंकटेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 500, क्योंकि देखो बुक में आपको 500 दिया है, कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मैंने बाकी के वीडियोस में आपको बताए हैं, उसके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि क्या चीज़ें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ बताया मैंने। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है 500 500, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट का एंट्री खत्म हो गया, देखो वेंकटेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी नरेशन की बात करता हूँ, तो ऊपर वाला भी मैंने नहीं बताया नरेशन, नीचे वाला नहीं बताया, तो मैं नरेशन पे ना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है नरेशन लिखा होना चाहिए। तो नरेशन मतलब ये कैंसल है तो बीइंग बिल कैंसल, ये इंटरेस्ट है तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादा आप एफर्ट मत डालो, जो है वही लिख दो, नरेशन लिखा होना चाहिए और थोड़ा रिलेटेड। देखो ना इंटरेस्ट चार्ज, हाँ इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट्स इट, हो गया नरेशन। अगर आप बुक्स में देखते हो थोड़ा भर के लिखा रहता है, वो बुक है उसके पास ज़्यादा टाइम है, अपने पास इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट है, तो हम 15 मिनट के हिसाब से जाएंगे। ठीक है चलो 500 500। अब कैंसिलेशन रिन्यू जो और इंटरेस्ट और न्यू बिल, ये सबका एक ही डेट होता है, देखो 21 मई 2010 21 मई 21 मई 2010। आई होप इट्स क्लियर। चलो अभी न्यू बिल, अब ये कैंसिल हो गया, अब बनेगा नया बिल, ये बन गया नया बिल, नया बिल बना किसके पास गया, वेंकटेश, वेंकटेश ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया, किस पे, बिल पे, एक्सेप्ट कर लिया बिल को, और सिग्नेचर करके रिटर्न किसको दिया, प्रधान को, मतलब मुझे दिया, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम द प्रधान, वाई, बिकॉज जो उसका भी आप एंट्री करो खुद वो बन जाओ, मुझे रिटर्न किया, देखो ये बिल बना, मुझे दिया, मैंने ले लिया। अब ये मैंने ले लिया तो मेरे पास क्या आया, बिल आया, मेरे पास क्या आया, बिल आया, बिल इज अ एसेट्स, मेरे पास आ रहा है, मुझे उसके बदले पैसा मिलेगा ना, तो मेरा एसेट्स हुआ, डेबिट वॉज कम्स इन, देखो जरा
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या? अभी दूसरा चीज तो आप समझ ही चुके रहोगे, किसके पास से आ रहा है? ड्रॉवी के पास से आ रहा है। क्यों? बिकॉज ड्रॉवी इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर तो वो है नहीं, लेकिन गिवर तो है ना, तो इसके लिए वेंकटेश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। या सिंपल लैंग्वेज में बोलू, आया ना डेबिट करो, किसके पास से आया? क्रेडिट करो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वेंकटेश अकाउंट। अभी क्वेश्चन यह बनता है, कैंसिल किया बिल 7 का, इंटरेस्ट चार्ज किया 500, तो नया बिल का अमाउंट कितना होगा? 7500। नया बिल एक्सेप्ट किया ना, तो क्या लिखना? बीइंग न्यू बिल एक्सेप्ट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिंपल तरीके से जाओ, बीइंग नया बिल एक्सेप्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप देखे रहोगे तो हमारा एक ही अभी यहाँ एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, एंट्री कितनी आई? 3, मतलब मिनिमम ना 3 मार्क्स, मैक्सिमम ना 4 मार्क्स, इतना समझ के चलना। मतलब एक एंट्री किया ना, समझ गए ना आप कि हाँ भाई इस टाइप की एंट्री आप रिन्यूअल आया तो करने का है, 3-4 मार्क्स फिक्स है आपका, ज़्यादा टेंशन नहीं, आराम से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? बैंक इन्फॉर्म दैट लक्ष्मीकांत एक्सेप्टेंस, देखो अपना सॉरी लक्ष्मीपति जा, यहाँ पे लिखा बैंक इन्फॉर्म दैट, बैंक ने ऐसा इन्फॉर्म किया लक्ष्मीपतिज एक्सेप्टेंस, ऊपर था वेंकटेश एक्सेप्टेंस, यहाँ है लक्ष्मीपतिज एक्सेप्टेंस, उधर वेंकटेश ड्रॉवी, तो यहाँ पे लक्ष्मी क्या होगा? ड्रॉवी। अगेन आई एम बिकम अ ड्रॉवर, मैं इस केस में भी ड्रॉवर हूँ, मतलब जो भी एंट्री बनेगी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी? ड्रॉवर। चलो हुआ क्या, देखते बैंक क्यों घबरा गया ऐसा, क्या बैंक को तकलीफ हो गया जो हमें बता रहा है? तो बैंक को क्या तकलीफ होगा मत पता चल गया रहेगा आप लोग को, देखते हैं। 4000 का था विच वॉज डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 85। मतलब लक्ष्मीकांत को मैंने कुछ पैसे का सामान बेचा था, बिल बना करके रख लिया अपने पास साइन करवा के, हुआ क्या मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं बैंक में भाग के गया, बैंक वाले से मैंने पैसा ले लिया, बैंक वाले ने मुझे कुछ काट पीट के दे दिया। लेकिन जिस दिन बैंक को पैसा मिलने वाला था उस दिन लक्ष्मीकांत नहीं है पैसा भाई, हाथ उठा दिया, तो बैंक क्या करेगा? आपको पकड़ेगा, आपको मतलब किसको? प्रधान को, मुझे पकड़ेगा, फ़ोन करेगा, भाई क्या है तुम्हारा पैसा नहीं मिला। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बैंक को उसके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, लेकिन रिटर्न तो मैं कर दूंगा, वो मेरा ट्रांजेक्शन है, लेकिन मुझे लक्ष्मीपति से तो पैसे लेने पड़ेंगे ना। अब लक्ष्मीपति से पैसे तो लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री पास करनी वो सिर्फ लास्ट ट्रांजेक्शन की करने का, वो लेना है देना बाद में देखा जाएगा, लास्ट क्या हो रहा है? डिसऑनर्ड हो रहा है, सिर्फ डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एंट्री कौन सी रहेगी, एक रिन्यूअल फिर डिसऑनर्ड, ऐसी टाइप की कंटिन्यू रहेगी, तो यहाँ पे आ गया ना अपना डिसऑनर का, और डिसऑनर का मैंने ऑलरेडी एक एंट्री अभी पास किया है, वो वेंकटेश वाला, वो भी कैंसिल मतलब डिसऑनर ही होता है, तो यहाँ पर भी वापस एक और डिसऑनर का पास करना है, लेकिन वहाँ वेंकटेश था, यहाँ कौन है? लक्ष्मीपति। और डिसऑनर हुआ तो मैंने क्या बोला आपको? ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी को क्या कर दो? डेबिट कर दो। देखो मैंने क्या किया, लक्ष्मीपति को डेबिट कर दिया। अभी क्रेडिट किसको करूँ? किसके पास बिल है? मेरे पास है क्या? नहीं। बैंक के पास है क्या? हाँ। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास, तो बैंक हमारा क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। आई होप इट्स क्लियर, लक्ष्मीपति's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज जिस कंटेंट से मैं जा रहा हूँ ना, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियोस को लाइक्स कर सकते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो आप अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर्स करो, ताकि उसका भी नॉलेज क्या हो? एनहांस हो, उसका भी नॉलेज क्या हो? ग्रो हो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लक्ष्मीपति's अकाउंट डेबिट टू बैंक, किसका एंट्री है? कैंसिल। कितने अमाउंट का था? 4000 का था। मैंने कहा था इसके अंदर कुछ ऐड होता है, वो होता है नोटिंग चार्जेस। कितना है? 85, तो 4085, तो हमारा कितना बनेगा? 4085। क्या किया मैंने? कैंसिल किया, बीइंग बिल डिसऑनर कैंसिल, वही लिखा था ना ट्रांजेक्शन में, बीइंग बिल डिसऑनर कैंसिल लिख दिया। क्या एक्स्ट्रा पे किया? नोटिंग चार्जेस। क्या किया? नोटिंग चार्जेस। अभी नोटिंग चार्जेस क्या होता है? ये नोटरी होता है, वकील के पास केस करना पड़ता है, तो वकील तो समझ ही चुके रहोगे वो कितना चार्ज करेगा, उसका चार्ज है वो, तो वो चार्ज किसके वजह से पड़ा? लक्ष्मीपति की वजह से पड़ा, टाइम पे पैसा उसने नहीं दिया, तो हम उसके बिल में ऐड करेंगे, उसको दिखाएंगे इतनी वजह से गलती हुई। सो ध्यान से देखना, लक्ष्मीपति अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, 1.5 मार्क्स का एंट्री था यहाँ, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग्स, 1.5 मार्क्स का एंट्री। समझना क्या था? ड्रॉवी डेबिट, जब भी डिसऑनर क्रेडिट, जिसके पास बिल है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा क्या बोल के रखा है, सी वाला देखते हैं। हाँ, इसकी जरा मैं आपको डेट की बात कर लेता हूँ। देखो, ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो 21 मई को हो रहे हैं, लेकिन उसी दिन काफ़ी ट्रांजेक्शन है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन को हम ए बोलेंगे, सेकेंड एंट्री का जो ट्रांजेक्शन रहेगा उसको हम बी बोलेंगे, थर्ड सी, उसके बाद डी कंटिन्यू रहेगा, तो ए बी सी डी ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन रहेगा 21 मई ही। ठीक है, चलो अभी देखो क्या बोलता है यहाँ पे। वर्मानी इन्फॉर्म प्रधान, वर्मानी कौन है मुझे भी नहीं मालूम, इन्फॉर्म कर रही है मुझे, चलो देखते क्या इन्फॉर्म कर रही है। सोनाली इज एक्सेप्टेंस, लो वापस आ गया फर्स्ट ऑफिस, सोनाली इज एक्सेप्टेंस। तो सोनाली क्या है, ड्रॉवी, तो मैं फिर से बन गया ड्रॉवर। देखो क्या होता है, 7000 का है एंडोर्स टू वर्मानी। अभी ये क्या हुआ है, केस ऐसा हुआ है कि मैंने सोनाली को कुछ सामान बेचा है लेकिन मैंने वर्मानी से खरीदा है। देखो जरा ध्यान से, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर करता हूँ। वर्मानी प्रधान और सोनाली, इस तरह का जरा ट्रांजेक्शन है। मैंने ये बहन को सामान बेच दिया लेकिन मैंने ये वाली बहन से खरीदा था। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मैंने इस वाली बंदी जो है इसको सामान बेचा लेकिन मैंने इससे खरीदा था, तो ये बंदी मुझे पैसा पे करेगी और वही पैसा मैं इसको पे करूंगा अपना पैसा चार्जेस काट के। तो कोई केस क्या हो गया कि ये मेरे पास पैसा लेने आई रहेगी, मैं बोला रहूंगा अरे इसका ही पैसा नहीं आया, एक महीने बाद दो महीने बाद आएगा तू ले लेना, तो ये बोली नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, चल ठीक है ना ये बिल इसका पड़ा है तू लेके जा, तू डायरेक्ट पैसा इससे जाके ले ले, डायरेक्ट ले ले। तो इसको बोलते हैं एंडोर्स का केस, क्या बोलते हैं एंडोर्स का केस। लेकिन जब ये बंदी वर्मानी जो है सोनाली के पास गई, सोनाली नहीं है पैसा, पैसा नहीं है, तो ये सोनाली क्या करेगी, अपना वर्मानी जो सोनाली का बिल लेके क्या करेगी, मेरे पास आएगी, क्या भाई किसका बिल दे दिया, पैसा ही नहीं दे रही है वो। ठीक है, पैसा नहीं दे रही है मतलब दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डिसऑनर, नहीं दी ना पैसा टाइम पे, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा केस बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम डिसऑनर का केस। अभी अभी मैंने यहाँ पे डिसऑनर का एंट्री मारा, अभी अभी मैंने यहाँ पे डिसऑनर का केस मारा, अब वापस मैं डिसऑनर की एंट्री मारने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आई होप आपको एंट्री समझ में आ रही होगी। तो डिसऑनर में रिपीट करो क्या है, डिसऑनर में किसको डेबिट करेंगे, ड्रॉवी को। ये केस में कौन है ड्रॉवी, सोनाली। तो देखो सोनाली इज अकाउंट डेबिट, कितना जरा देखते हैं, 7000 और नोटिंग चार्जेस है, क्या करूं, इग्नोर कर दूं क्या, नहीं मैं नोटिंग चार्जेस ऐड करूंगा क्योंकि गलती किसकी है, सोनाली की, ये पैसा अब कौन देगी, सोनाली। तो देखो 7080 रुपीज है, कितना है 7080, तो 7080। अब एंट्री को जरा वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, जब भी डिसऑनर होगा ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी कौन था, सोनाली। तो बिल किसके पास है, बिल है वर्मानी के पास, मेरे पास है क्या, नहीं वर्मानी के पास है, तो एंट्री क्या बनेगी, सोनाली अकाउंट डेबिट टू वर्मानी। इस टाइप का डिसऑनर एंट्री कब बनता है, जब एंडोर्स का केस होता है, समझ में आया रहेगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं, नरेशन थोड़ा देख लेते हैं। बीइंग एंडोर्स बिल कैंसल, मैंने जो बिल एंडोर्स किया था वो क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, चलो आप 8 मार्क्स पा चुके हो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस क्या बोलता है कि श्रीवास्तव ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। देखो श्रीवास्तव ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, श्रीवास्तव ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस मतलब क्या, मतलब श्रीवास्तव हिज मतलब उसका बिल ना, उसके बिल का उसने पैसा दे दिया। चलो अच्छी बात है, इतने सारे केसेस पड़े, लास्ट वाले को तो पैसा मिला, चलो ठीक है। कितना, 4900। सो विच वॉज डेपोजिट इन टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब कोई बिल था जिसको हमने कहाँ भेजा था, कलेक्शन वाले को, मतलब कलेक्शन वाले को दे दिया कि अरे भाई ये पैसा कलेक्ट करके मेरे को दे देना, बैंक गया और पैसा उसको मिल गया। अब अगर बैंक पैसा मिल गया, देखो क्या होता है बैंक ना, ये जो बैंक होता है ना इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे अपना मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होता है अंदर ही, जैसे हम सेविंग अकाउंट बोलेंगे, करंट अकाउंट बोलेंगे, रिकरिंग अकाउंट बोलेंगे, वैसे ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट भी होता है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट गया, उससे पैसा लिया, मतलब पैसा तो बैंक में ही पड़ा है ना, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, पैसा क्या बैंक में पड़ा है, तो बैंक क्या करता है, हमारे बैंक में ट्रांसफर करता है, तो अपने पास क्या आया, पैसा, लेकिन किसके थ्रू आया, बैंक। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना पैसा आया, 4900। ठीक है, लेकिन ये जो पैसा आया बैंक में हमारे, वो पैसा किसके थ्रू आया, बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन के थ्रू आया ना, मतलब कलेक्शन अकाउंट ने जो पैसे कलेक्ट किए वो हमारे बैंक में उसने ट्रांसफर किए। तो देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, मतलब कलेक्शन अकाउंट ने पैसे हमको दिए तो हमारे को मिले, मतलब क्या, बैंक हमारा डेबिट रहेगा, कलेक्शन अकाउंट के पैसे गए मतलब कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट रहेगा, बीइंग कलेक्शन बिल ऑनर। तो स्टूडेंट
दिस इज द केस ऑफ ABCD वाला बिल, या मैं 1, 2, 3 वाला बोलूँ, या मैं ऐसी बोलूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉवी बट सिंगल टाइप ऑफ ड्रॉवर, ऐसा भी इस केस को मैं कह सकता हूँ। आई होप ये पूरा कंटेंट आपको समझ में आ रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको जितना आप शेयर करना चाहो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको इस टाइप वाले में ना डाउट ना रह जाए। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आइदर सिंगल एंट्री होगा, आइदर फाइनल अकाउंट होगा, लेकिन जो भी होगा बेसिक से होगा, या कोई और भी मैं उठाता हूँ, जो भी होगा बेसिक से होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा पार्ट में रहेगा। आप प्लेलिस्ट है हमारे पास, उसमें से वीडियो देखो, आपको जैसा भी रहे, लेकिन डाउट्स आपके ना कमेंट करो। BK में जितना डाउट कमेंट करोगे ना, उतना बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि मेरे पास तरीके अलग अलग हैं, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो आई होप आपको समझा।